जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने किया बड़ा दावा, पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार, पीएम मोदी से की तुलना। ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व सांसद अरुण सिंह का बयान, इमोशनल लेस है सीएम नीतीश कुमार। पटना पहुंचे चिराग पासवान का पार्टी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर किया भव्य स्वागत। चिराग ने पत्रकारों के सामने, माफ कीजिएगा, प्रिंस ने पत्रकारों के सामने चिराग को बताया जिम्मेवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और आइए, आज राजनीतिक एक भूचाल आई है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 2024 में पीएम के रेस में शामिल हो सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। और इस ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दावा जेडीयू का करना है और जेडीयू ने दावा किया। आपको बता दूं कि जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया है, सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता दिया है। तो आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया है, सीएम नीतीश को पीएम मटेरियल बता दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी से भी उनकी तुलना कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश में कई लोग पीएम मटेरियल के रूप में है और उसमें से है एक नीतीश कुमार 2024 में। अब सवाल सबसे बड़ा उठता है कि क्या अगर पीएम मटेरियल बताने वाले सीएम नीतीश कुमार को, क्या वो 2024 में पीएम की ताल ठोकेंगे, यानी कि रेस में शामिल होंगे। देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी एनडीए के सहयोगी हैं और ऐसे में नीतीश कुमार अगर पीएम मटेरियल पार्टी की तरफ से बताए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले दिनों में बड़ी रणनीति बन रही है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा जिनके पास एक बड़ी जिम्मेवारी है बिहार में जेडीयू को नंबर वन बनाने निकले उपेंद्र कुशवाहा ने ये दावा किया है, तो ये बड़ी रणनीति की तरफ इशारे कर रही है। आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कही हैं और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल करार दे दिया है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर दी है। साथ ही उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और बाकी जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर भी खुल करके बातें कही है। उन्होंने पार्टी में उनके कद और ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के भी बात की, लेकिन इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से तुलना कर दी नीतीश कुमार की और कहा कि नीतीश कुमार भी अब साफ तौर पर पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं क्योंकि उनमें वो मटेरियल है। हम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही है, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। देखिए, देश के स्तर पे आज एक माहौल बनाने की जरूरत है जातीय जनगणना को लेकर, क्योंकि 2021 अभी हर 10 साल पर सेंसस देश में होता है, 2021 में होना है, कोरोना के चलते थोड़ा विलंब हो सकता है। अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर अगला 10 साल इंतजार करना पड़ेगा और तब तक इतना नुकसान, रोज नुकसान हो रहा है और इस नुकसान को अगर आगे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए तो यह किसी के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस बार किसी भी तरह से देश में माहौल बना करके, देश में हर तरह से लोगों को जागरूक करके और भारत सरकार को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि जातीय जनगणना जो खुद ही उन्होंने कहा है एक समय से उसको कराना चाहिए, कराना है, कराए, यह बात कहने की जरूरत है। और इसमें नीतीश कुमार जी का रोल, बहुत बड़ा रोल देश भर में हो सकता है। तो बिल्कुल साफ तौर पर यह देखने वाली बात होगी कि क्या सच में नीतीश कुमार पीएम बनेंगे, क्या सच में 2024 में होने वाले चुनाव में नीतीश कुमार पीएम पद की ताल ठोकेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर दृश्यों को देखा जाए, जब खुद एक उम्मीद जगी थी, एक मन में एक विचार आया था और नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामों की घोषणा, हालांकि चल रही थी चर्चा, घोषणा नहीं हुई थी और उस वक्त एनडीए से अलग हो गए थे नीतीश कुमार और उसके बाद उन्होंने बिहार में साल 2015 में सरकार बनाई थी, वो भी राजद के साथ, और अब एक बार फिर से वो चर्चा शुरू हो गई है। आखिर में इसके आगे के अगर दृश्य को देखा जाए तो उसके क्या हालात होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव अभिषेक जुड़े हुए हैं, उनसे ही जरा से समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा समीकरण क्या होगा। और अगर जेडीयू ने ये सोचा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने बोला है, किसी और ने नहीं बोला है, और उपेंद्र कुशवाहा के पास बड़ी जिम्मेवारी है, अगर पार्टी के संविधान के अनुसार देखा जाए तो जो उनके पास पद है
यानी कि संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनके पास वो पद है, वो पद संविधान के मुताबिक, पार्टी के संविधान के मुताबिक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बनाया गया है, उसके बाद बिहार की बड़ी जिम्मेदारियों को अगर लेकर के कहा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा के पास वो जिम्मेदारी है कि वो बिहार में पार्टी को नंबर वन बनाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, और ऐसे में उनका बयान किस तरफ इशारे करते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की तुलना करना, उन्हें पीएम मटेरियल बताना, ये किस तरीके की रणनीति को बता रहा है? देखिए निर्भय, ये बयान बहुत हैरान करने वाला नहीं है। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा की जब से एंट्री जेडीयू में हुई है, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तीन काम उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। पहला काम, नीतीश कुमार ने जो उनको टास्क दिया है, गांव गांव तक जेडीयू को मजबूत करने का, बूथ स्तर पर दावा यह है पार्टी का, जेडीयू का, उपेंद्र कुशवाहा का, कि बूथ स्तर पर हम पार्टी को मजबूत करेंगे। बिल्कुल, तो एक काम। दूसरा काम बीजेपी के जख्मों पर नमक रगड़ने का, और तीसरा काम बीजेपी पर वक्त बेवक्त निशाना साधने का। ये तीन काम बहुत मुस्तैदी से उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। नमक, जख्मों पर नमक रगड़ने की बात इसलिए मैंने कही कि पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आए और उसके बाद तुरंत उन्होंने बीजेपी के जख्मों पर नमक रगड़ा, यह कह दिया कि ममता बनर्जी ने चक्रव्यूह को तोड़ा है। बिल्कुल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से एक बार नहीं कई बार भिड़े। तो आज जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, उस बयान को बहुत हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसी स्क्रिप्टिंग हो रही है देश की पॉलिटिक्स में भी, बिहार की पॉलिटिक्स में भी। और जब बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि 2024 में हम अपने दम पर संगठन को मजबूत करेंगे, हम अपने दम पर 2025 में अपने दम पर सरकार बनाएंगे, तो जाहिर तौर पर यह संकेत है कि बीजेपी अपने स्तर से अपने दम पर बिहार में बीजेपी को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ऐसी बीजेपी, एक ऐसी सरकार, एक ऐसा संगठन जिसमें नीतीश कुमार की जरूरत न हो, जिसमें जिसके लिए नीतीश कुमार जरूरी न हो, उस सरकार के लिए और उस गठबंधन के लिए। तो मतलब कुल मिलाकर के देखे तो जो बयान आया था अभिषेक, कुल मिलाकर के देखे तो जो बयान आया हुआ था 2015 का उन्होंने जिक्र किया था, और अगर आज के बयान को अगर देखा जाए, सम्राट चौधरी ने जब वैशाली में बोला था तो उन्होंने कहा था कि 2015 में जो हमारे साथ हुआ उसका बदला हम लेंगे, और जाहिर सी बात है कि अब पीएम मटेरियल बता दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्टिंग जो तय की जा रही है और जिसकी आपने बात की है, जो लिखी जा रही है, ये दोनों के जेहन में है, दोनों इसको बखूबी पढ़ रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं, और तैयारी दोनों की लगभग बराबर चल रही है आपके हिसाब से अगर देखें तो। सम्राट चौधरी ने जो कहा उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को, उसी का जवाब आप मान सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये कहने की कोशिश है कि आप अगर 2025 में अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपने दम पर दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, नीतीश कुमार दिल्ली कूच करने की तैयारी में है, ये बताने की कोशिश है। उपेंद्र कुशवाहा ने यूं ही कोई राजनीतिक बयान नहीं दे दिया है, यूं ही कोई हल्का बयान नहीं दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ये जरूर कहते हैं कि कई लोग पीएम मटेरियल हैं, उसमें नीतीश कुमार भी है। नीतीश कुमार भी खारिज करते रहे हैं कि नहीं, मैं पीएम मटेरियल नहीं हूं, लेकिन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी दिल्ली की तैयारी करती रही है, महत्वाकांक्षा भी ये रही है, और शायद जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आए हैं, और उसके बाद अगर यूपी के चुनाव नतीजे बीजेपी के अनुकूल नहीं आए तो नीतीश कुमार के हौसले बढ़ेंगे, विपक्ष का हौसला बढ़ेगा, और एक गोलबंदी की कोशिश तो लगातार हो ही रही है। बिल्कुल, गैर बीजेपी दलों की एक गोलबंदी हो। नीतीश कुमार बहुत सहज नहीं है इस गठबंधन में, ये कहने की जरूरत नहीं है। कई एजेंडे हैं बीजेपी के जिसको लेकर नीतीश कुमार असहज हो जाते हैं। हाँ, ये बात तय है, ये बात ठीक है कि नीतीश कुमार ने कुछ एजेंडों पर समझौता नहीं किया है, कुछ एजेंडों को लेकर यह परसेप्शन बना है कि उन्होंने समझौता किया। जिस पर समझौता किया वो सीए और एनआरसी, माफ कीजिएगा, सीए और धारा 370। लेकिन देखिए अभिषेक, जरा सा एक समझने की कोशिश की जाए, अभिषेक आपसे जरा सा जानेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने आज कई सारे मुद्दों पर चर्चा की है, पत्रकारों से जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की जाए या फिर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बयानबाजी की है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो कोई कानून नहीं लाने के पक्ष में है, क्योंकि कानून लाने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया जा सकता, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज एक बार फिर से वही बात कहा
कि हम जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में हैं, हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कानून लाकर किसी को जबरदस्ती ऐसा कर ले। बीजेपी की रणनीति है, यूपी में जो देखा गया था, खुद यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कानून लाने की बात की, और यहां पर ये कह रहे हैं कि हम कानून नहीं लाएंगे लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में दिख रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में है लेकिन जेडीयू जागरूकता के पक्ष में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा अवेयरनेस के पक्ष में है, वो कानून नहीं चाहते। बिहार में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी चाहती है कि हमारे एजेंडे पर भी काम हो, हमारे एजेंडे के हिसाब से भी सरकार चले, लेकिन कुछ एजेंडों पर जैसा कि मैंने पहले बताया नीतीश कुमार समझौता के लिए तैयार नहीं है, समझौते के लिए लव जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण कानून, इसको लेकर नीतीश कुमार अभी समझौते के मूड में नहीं देखते हैं। उनके राजनीतिक विरोधी जरूर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने अगर दूसरी चीजों पर समझौता किया है, चलिए बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जेडीयू है वो कहीं समझौता करना नहीं चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय को रखा। तो आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है वो अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं, और ये कहा जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभिषेक ने कहा कि स्क्रिप्टिंग तय की जा रही है, और इस स्क्रिप्टिंग के बीच में क्या कुछ चलने वाला है ये सब कुछ देखना होगा कि आगे की रणनीति क्या है। लेकिन ऐसे में जब पूरी स्थितियां साफ है और जेडीयू जो रणनीति बना रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया, इसलिए बार बार हम ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह बयान दिया है, किसी और नेता ने या किसी प्रवक्ता ने नहीं दिया है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है, बड़े कंधे पर जिम्मेदारी लेकर के उपेंद्र कुशवाहा बिहार का दौरा कर रहे हैं, वो गांव गांव पहुंच रहे हैं, वो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब बैठक हुई थी पटना में उस वक्त इस बातों को लेकर के खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि आखिर में कहां हमारी चूक हो गई कि पार्टी दूसरे नंबर पर पहुंच गई, पार्टी की लोकप्रियता कम क्यों हो गई। जो पार्टी कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर जो काम किए उन्होंने, चाहे वो साइकिल बंटवाने की बात हो या फिर महिलाओं की शिक्षा की बात हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा चेहरा बन करके रहे, लेकिन ऐसी क्या कमी हो गई, कहां चूक हो गई कि पार्टी विधानसभा चुनाव में बेहतर नहीं कर पाई और उन्हें सहयोग लेना पड़ा। जो 50-50 के समीकरण पर बीजेपी और जेडीयू का समीकरण बना था, उस समीकरण में आखिर में ऐसी क्या कमी हो गई कि जेडीयू कमजोर पड़ गई, और इसको लेकर के वो लगातार मंथन कर रहे हैं, और इस मंथन की बड़ी जिम्मेवारी जो है वो साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के हाथों में है। और ऐसे में जिस तरीके से ये पूरी बातों को देखा जाए तो साफ तौर पर ये बयानबाजी है, लेकिन ऐसे में क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बराबरी में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए हैं, क्योंकि जेडीयू दावा कर रही है। हमारे साथ बीजेपी नेता हैं, हम सीधे उनसे जानेंगे कि आखिर में ये पूरी रणनीति क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बराबरी जो है वो नीतीश कुमार की हो गई है, क्योंकि पीएम मटेरियल बता दिया है नीतीश कुमार को, क्या लगता है सर? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की ऊंचाई पूरे विश्व में छाती है जी, और सर्वमान्य नेता है देश के जी, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, और निश्चित रूप से बेहतर कर रहे हैं राज्य स्तर पर जी, तो इसमें बराबरी और छोटे बड़ी की बात नहीं है, अपना अपना दायित्व है। प्रदेश स्तर पर अच्छा कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री विश्व स्तर पर अच्छा कर रहे हैं। सर बराबरी की बात हमने नहीं की, बराबरी की बात इसलिए करना जरूरी हो गया क्योंकि एक कुर्सी के लिए दो लोग अगर लड़ रहे हैं वो भी एक घर के, तो हम कैसे मान ले सर कि बराबरी की जरूरत नहीं है? ये कोई लड़ाई नहीं, हम मिलजुल के गठबंधन बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं, बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है सर। बात बिहार में कही है सर, बात देश का है सर, आपने सुना नहीं, बात देश का है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पीएम मटेरियल है, तो अगर 2024 में वो ताल ठोक देते हैं तो क्या होगा सर, तो फिर बराबरी कैसे नहीं करेंगे? अरे भाई, भाजपा पूर्ण बहुमत की दोनों बार सरकार बनाई है, बिल्कुल अपने सहयोगियों को सम्मान उसके बाद भी दे रही है जी, लेकिन कोई व्यक्ति अगर सुर्ज पर पत्थर फेंके तो उसका क्या रिजल्ट होता है आप जानते हैं, तो ये बताइए ना सर कि वो पत्थर फेंक रहे हैं ना। और मैं नहीं जानता कौन क्या फेंक रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी उस पार्टी के नेता है, उन पार्टी के लोग बताएंगे क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग को नीतीश जी से मतलब है, हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र बाबू हुए उनसे मतलब है। तो आप उपेंद्र कुशवाहा को कुछ नहीं मानते, आप उपेंद्र कुशवाहा को कुछ नहीं मानते क्योंकि उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है? उनसे उनसे हमारा कोई मतलब पार्टी का नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से वार्ता होती है या मुख्यमंत्री से वार्ता होती है। बिल्कुल, वो अपने पार्टीगत मामलों में उलझे रहे, अपना काम करते रहे तो अच्छा है। उपेंद्र कुशवाहा जी की अलग ड्यूटी है,
उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि गति को कितना आगे ले जाना है चाहे पीछे ले जाना। सर बिहार में नंबर वन बनाने निकले हैं वो, सर जेडीयू को बिहार में नंबर वन बनाने निकले हैं, बार बार बयानबाजी कह रहे हैं कि 2015 का बदला लेंगे। बोलने से क्या होता है, वो तो कहां क्या किए हैं सब लोग जानता है। उपेंद्र जी के हालात को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो ठीक है, दिमाग सब देख रहे हैं, उसमें क्या हर्ज है, देखना चाहिए। मतलब आप ये मानते हैं ना कि वो बेफुजुल की बातें करते हैं? वो मैं कैसे कहूँ, सपने देखना सबका अधिकार है, सब देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा। तो ये थे हमारे साथ विनोद शर्मा थे, बीजेपी के नेता हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन की सरकार हमने दो बार बनाए हैं केंद्र में और आगे भी स्थितियां बिल्कुल बेहतर होगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की बातों को उन्होंने जिस अंदाज में कहा, जिस तरीके से कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनका मतलब है, उनको ललन सिंह से मतलब है, उनको सीएम नीतीश कुमार से मतलब है, और बाकी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन आखिर में इस बातों को कैसे खारिज किया जा सकता है, भले ये लोग कह रहे हो कि बराबरी की बात नहीं की जाए, हालांकि अगर जिस तरीके से पूरी स्थितियां हैं और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के फैसले की बात की जाए या उनके जो पीएम मटेरियल की बात की जाए तो साफ तौर पर ये पार्टी का अपना है, लेकिन कई बार उनके फैसले को लेकर के कई पार्टियां समर्थन करती हुई नहीं दिख रही हैं। और ऐसे में अब पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सांसद ललन सिंह को बना दिया गया और एक नई जिम्मेदारी उनके पास चली गई। तो अब दो चीजें देखनी होंगी, क्योंकि जहां एक तरफ हमारे सहयोगी अभिषेक ने कहा कि स्क्रिप्टिंग तय की जा रही है दोनों अपने अपने दल से, क्योंकि कई बड़े नेताओं के बयान सामने आए हैं, और ऐसे में अब दो बड़े नेता, एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की बयानबाजी आखिर में किस तरीके के इशारे करते हैं। लेकिन शनिवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक में सांसद ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और ऐसे में जहानाबाद के पूर्व सांसद जो हैं अरुण सिंह, उन्होंने यह कह दिया कि सीएम नीतीश कुमार जो हैं उनके पास इमोशन नहीं है, वो इमोशन लेस है। उन्होंने भी कह दिया कि राजनीतिक कुर्सी के लिए वो अपने इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों के भी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने पुरानी कहानियों का भी जिक्र किया है। अरुण जी, पहले नीतीश जी बनाते हैं आरसीपी सिंह को केंद्र मंत्री, फिर ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, नीतीश कुमार ज्ञानी आदमी हैं और वो इमोशन में नहीं जीते हैं, वो अपने इर्द गिर्द सत्ता को घुमाते हैं, बहुत चालाकी से घुमाते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस उनके कार्यों में हस्तक्षेप करते थे, पार्टी के हित में कोई फैसला लेते थे तो जॉर्ज फर्नांडिस को हटा करके शरद यादव को बनाया, शरद यादव को हटा करके आरसीपी को बनाया, आरसीपी को हटा करके ललन बाबू को बनाया। अब जॉर्ज और ललन बाबू आप फासला समझ सकते हैं, राजनीतिक चिंतन भी समझ सकते हैं, दोनों की दक्षता भी समझ सकते हैं। तो ये जब से ताकतवर हुए हैं, और ऐसे में बड़ा सवाल है और सवाल लगभग लाजमी है, क्योंकि अगर एक तरफ जेडीयू और बीजेपी ये कहते हैं कि हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है तो फिर इसको विपक्षी दल कैसे समझती है? इकबाल अहमद हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं राजद के, उनसे जरा सा जानने की कोशिश करते हैं। इकबाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। सर, बीजेपी और जेडीयू कहती है कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन स्क्रिप्टिंग किस तरीके से रची जा रही है कि देखिए बीजेपी के जो विधायक हैं और वर्तमान में जो मंत्री है वो कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, और आज उपेंद्र कुशवाहा ये नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता दिए हैं। क्या लगता है सर, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, इन लोगों के पास अब कोई नैतिकता बची नहीं है जी, समझ गए, सरकार जो है विफल है और समाज के साथ, समाज जो है इनके चाल को समझ चुकी है जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक संदेश है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को जो सोच रहे थे उपेंद्र कुशवाहा कि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, और इस बीच में ललन सिंह को जो अध्यक्ष बना करके और नीतीश कुमार ने जो सामने आके बयान दिया, जब ये
आशित सिंह मंत्री बने थे तो ये सामने आकर के उन्होंने ध्यान नहीं दिया था जी। और ये खामोश थे तो बहुत लोग सोशल मीडिया और मीडिया के आपके माध्यम से लोगों ने इसका कि आखिर नीतीश कुमार चुप क्यों है, लेकिन कल जिस तरह से उनके चेहरे पर हंसी थी बिहार के सीएम के ऊपर, उससे साफ संदेश था कि कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा को तो ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ आघात हो गया है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक पब्लिसिटी एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने मतलब नीतीश कुमार के काफी शुभचिंतक हैं, काफी करीबी हैं, ये जताना चाहते हैं क्या आपके मानने में, ऐसा यही लग रहा है? नहीं, जताना चाहते नहीं है, बस जो एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है कि कम से कम जो लाइम लाइट में कम से कम ये चीज हमारे बीच में रहे और लोगों का एक चर्चा का विषय रहे और आपके माध्यम से मतलब कुल मिलाकर के आपके कहने का मतलब है सर कि ये मुद्दा को गर्म रखना चाहते हैं ताकि सुर्खियों में ये बने रहें और करीब दिखे। बिल्कुल 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 क्या लेकिन आप एक सवाल आपसे आखिरी सवाल होगा सर इकबाल जी, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार सच मायने में पीएम के मटेरियल हैं? देखिए ये अब इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा जो जनाधार है धीरे धीरे खिसकता जा रहा है लोगों के बीच में, और जिस तरह से ये देखने में जाति जनगणना देखने में आया कि इनका कहना था कि जाति जनगणना जाति के इस पर जनगणना किया जाए, उसी तरह से बीजेपी के जो नेता है पासवान जी उन्होंने आके बोल दिया है कि जाति नहीं गरीबों की जनगणना होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर तो कह सकते हैं आप कि जाति को समीकरण साध रहे हैं और इससे इनको लग रहा है कि अब दिल्ली की कुर्सी पर भी पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल जी, अब हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा। तो साफ तौर पर यह जाहिर है कि अब जिस तरीके से विपक्ष जो है, विपक्ष का यही कहना है कि स्थितियां बिल्कुल वैसी ही है कि अब उपेंद्र कुशवाहा को जब बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी, उन्हें उम्मीद थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन जब उन्हें नहीं बनाया गया तो वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेश जो है क्या उनकी अब लड़ाई नीतीश कुमार से भी होगी, एक सहयोगी से भी होगी, ये सब कुछ स्थितियां बताएंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए, अगर इस पूरे मामले को लेकर के, अगर इस पूरे समीकरण को लेकर के देखा जाए तो साफ तौर पर नीतीश कुमार क्या सच मायने में पीएम बनेंगे, और ऐसे में साफ तौर पर यह देखना होगा कि आगे की लड़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण होने वाली है, और दोनों पार्टियां यानी कि बीजेपी और जेडीयू अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है। वैसे तो बीजेपी जो है वो सब कुछ अपने स्तर से करती आई है और दो बार से सरकार में है तो तीसरी बार उनके लिए चुनौती थोड़ी कमजोर होगी, लेकिन क्या सच मायने में जेडीयू अब दिल्ली तक पहुंच पाएगी ये देखना होगा। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे चिराग पासवान और प्रिंस कुमार को लेकर के लोजपा की। दरअसल समस्तीपुर में सांसद और पारस गुट के लोजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज आज पटना पहुंचे जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान प्रिंस राज ने चिराग पासवान को लेकर के भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो स्थिति आज लोजपा में है वो सिर्फ चिराग की वजह से है, स्थितियां जो आज बिगड़ी है वो सब कुछ चिराग पासवान की वजह से है, इसलिए उनको इस पर मंथन करना चाहिए। देखिए पार्टी आदरणीय हमारे स्वर्गीय रामदास पासवान जी की है, उनके मेहनत से बनाई हुई पार्टी है, उनके आदर्शों पे बनाई हुई पार्टी है, पार्टी अभी भी वही है, पार्टी में कोई टूट नहीं हुआ है, शीर्ष नेतृत्व का बदलाव हुआ है। आप आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राष्ट्रपति कुमार पारस जी हैं, जो हमारे बड़े पापा का जो सपना था मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदी अंधेरा है, उसी के पश्चिमों पर हम लोग चल रहे हैं। गरीब शोषित पिछड़ित की आवाज़ हम लोग बनने हम लोग हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनके लिए जो काम होगा हम करेंगे। और ये बात ये रही कि भाई उनकी पार्टी है, इनकी पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है, हमारे आदरणीय रामदास पासवान जी की सोच की पार्टी है, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, उनसे हमारा परिचय हमारा मुलाकात रोज सदन में होता है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनके उनके लीडरशिप में हमें पूरा विश्वास है जेडीयू और भी आगे लोजपा जेडीयू में सब कुछ ठीक हो जाएगी ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद? लोजपा जेडीयू में अभी भी सब कुछ ठीक है, अभी कोई गड़बड़ नहीं है, किसने क्या कुछ गड़बड़ है। इधर लोजपा में टूट के बाद पहली बार पटना के पार्टी कार्यालय में जो प्रदेश कार्यालय वहां पर प्रदेश पदाधिकारियों एवं प्रदेश अध्यक्षों के साथ दलित सेना की बैठक रखी गई, और इसके लिए ही वो यहां आए हैं जिसको बिहार के नए लोजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस पासवान संबोधित करेंगे, और इसके लिए वो पहुंच भी चुके हैं। अब लोजपा के पूर्व सांसद सूरजधान सिंह पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं जहां उनके साथ साथ चिराग पासवान हमारे साथ आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा, ऐसा खुद इन्होंने कहा। और इन्होंने ये भी कह दिया कि
सब कुछ, हालांकि पहले से ये कहते आए हैं सूरजभान सिंह, पहले से ये कहते आए हैं कि पार्टी को इकट्ठा करने, परिवार को इकट्ठा करने में वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अब क्या होगा ये सब कुछ देखना होगा। पार्टी कहाँ टूटा है जो आप टूट टूट कर रहे हैं, पार्टी टूटा है कहाँ? चिराग पासवान भी पटना में है, क्या मैसेज बनाएगा? अरे चिराग पासवान, चिराग पासवान है, चिराग पासवान आवेंगे पुराने घर जिससे की मतलब आएंगे तो वेलकम करेंगे आप, एकदम वेलकम वेलकम है जी। वहीं आपको बता दूं कि पारस गुट के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी कि पारस गुट के प्रदेश है, पार्टी जिस तरीके से दो भागों में बटी हुई है, ऐसे में पारस गुट के प्रदेश अध्यक्ष और समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज पटना प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो भी उनका वहां पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बता दें कि पदाधिकारी और प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ बैठक में वो शामिल हुए और इसके लिए वो पटना पहुंचे थे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया और वो पहली बार पटना आए। अपने अध्यक्ष हैं, जितने प्रकोष्ठ हैं, जितने पदाधिकारी, उनके साथ बैठक है, पानी को लेकर चर्चा होगी। इसमें विपक्ष सवाल उठा रही है कि जब बाढ़ आई थी तो सांसद महोदय गायब थे, हम आपके बैठक कर रहे हैं कौन से, हम तो अपने क्षेत्र में हड़पने जा रहे हैं, आप कौन से बात कर रहे हैं? अब राजनीति से आगे बढ़ते हैं और बात बेगूसराय की करते हैं। बेगूसराय में बदमाश कितने बेखौफ है इसका अंदाजा आप एक वीडियो के जरिए लगा सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, इस वीडियो में बीच सड़क पर एक युवक की ना सिर्फ पिटाई की गई बल्कि हथियार भी लहराया गया। पूरा वीडियो नया गांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बता दें कि आपसी विवाद को लेकर इस विवाद को इस तरीके से अंजाम दिया गया, पीड़ित के द्वारा थाने में आवेदन दे दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये तस्वीरें साफ तौर पर यह बताती है कि किस तरीके से अपराधी जो है वो बेगूसराय में बेखौफ हो चले हैं और सड़कों पर ही सरेआम पिटाई करते हैं और उसके बावजूद भी पुलिस और प्रशासन का खौफ अपराधियों के दिल में नहीं दिखता है। अब बात झारखंड की करते हैं। झारखंड के देवघर रामसागर में जमीन विवाद में गोलीबारी की घटना का मामला सामने आया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुंगेर के आम सप्लायर देवघर आए हुए हैं और सभी नगर थाना क्षेत्र के खोरदों में है। सप्लायर की गिरफ्तारी और मामले की छानबीन के लिए एक टीम गठित की गई थी। उक्त टीम के द्वारा छापेमारी की गई और आम सप्लायर के साथ तीन को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही उनके पास से पिस्टल और 0.303 mm का जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। उस कांड में ये बातें प्रकाश में आई थी कि जमीन संबंध विवाद के कारण एक राकेश कुमार राउत नामक व्यक्ति जिनके द्वारा गोली चालन की घटना कारित की गई। घटना के में जो भी एक से गिरफ्तारी तथा घटना के निवेदन हेतु पुलिस अधीक्षक देवघर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें देवी के थाना प्रभारी एवं उसके सशस्त्र बल थे। उनके द्वारा काफी प्रोफेशनल तरीके से इस घटना के जो प्राथमिक एक्यूज थे राकेश कुमार राउत, उनको गिरफ्तार किया गया। और खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजातर इन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।